नमस्कार, मैं श्रेया पाटिल आपके साथ केकेआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मां नर्मदा के तट सोमवार में बाबा सिद्धेश्वर की शरण में पंडित शुभम दुबे के मुखराविच से शिव महापुराण का श्रवण करवाया जा रहा है। कथा के चौथे दिन राजेंद्र तिवारी, प्रमिला तिवारी ने व्यासपीठ का पूजन किया है। कथा में व्यासपीठ से पंडित दुबे ने कहा कि शिव ही परमात्मा है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही विष्णु है, हर कण कण में शिव है। शिव तत्व सब में आप भी है, हम में भी हर मनुष्य में शिव है। जिसमें शिव नहीं है वो शव बन जाता है। कथा में शिव पार्वती का विवाह धूमधाम से किया गया। बेटियों के प्रसंग में कहा कि बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। हर पिता कहता है कि मेरा घर जब से बेटी आई है तब से मेरा भाग्य बदल गया। बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है, इसलिए बेटियों को सौभाग्यशाली कहते हैं। बेटी घर का दीपक है, मगर जब तक दीपक प्रकाश नहीं दे सकता जब तक उसे जलाया नहीं जाता। उसी प्रकार बेटा तभी कुल दीपक सिद्ध होगा जब किसी की बेटी घर की बहू बनकर परिवार में आकर के लक्ष्मी बनेगी। बिटिया का महत्व बेटी के विवाह के बाद पता चलता है। महिलाओं के विषय में कहा कि हर स्त्री को 16 श्रृंगार करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा मांग देसी गाय की घी में सिंदूर मिलाकर भरना चाहिए, जिससे पति की उम्र लंबी होती है। सतवास से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट के क्या न्यूज़।